नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर इस टूटे हुए कॉलम को शेयर करते हुए लोग पूछ रहे हैं कि ये छोटा सा कॉलम क्रैक क्यों हो गया, इसमें दरारें क्यों आ गई। और इस कॉलम को देखने के बाद सवाल उठना जायज भी है, क्योंकि इस कॉलम पर ना तो कोई लोड आ रहा है और इस कॉलम की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 फीट है, फिर भी इस कॉलम में चारों तरफ क्रैक्स आ गए, इसका रीज़न क्या है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं कि साइट पर वर्क कराते समय ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जिसमें छोटा या फिर बड़ा कोई भी कॉलम हो उसमें कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाती है, कॉलम कुछ इसी तरीके से टूट टूट कर गिरने लगता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। कॉलम को प्लिंथ बीम लेवल तक बनाने के बाद कॉलम में अर्थ फिलिंग होती है, यानी कि मिट्टी की भराई होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलम को प्लिंथ बीम लेवल तक कास्ट कर दिया गया है, यानी कि प्लिंथ बीम लेवल तक बना लिया गया है। और कॉलम को प्लिंथ बीम लेवल तक बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी की भराई का वर्क हो रहा है। आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए कि एक एक्सीवेटर अर्थ फिलिंग वर्क कर रहा है, यानी कि मिट्टी की भराई यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है। तो अर्थ फिलिंग करते समय, यानी कि मिट्टी की भराई करते समय एक्सीवेटर का जो बॉकेट है वो कॉलम में टच हो जाता है, जिसके कारण कॉलम कुछ इस तरीके से टूट जाता है। और यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, यदि कॉलम की ढलाई हुई 7 से 8 दिन हो गया है तो कॉलम के जिस एरिए में एक्सीवेटर का बॉकेट लगेगा उस एरिए में थोड़ा सा कॉलम टूट कर गिर पड़ेगा, यानी कि कॉलम की जो कंक्रीट होगी, जो ऊपरी परत होगी, वो थोड़ा सा टूट कर गिर पड़ेगा। और यदि कॉलम की कास्टिंग बिल्कुल न्यू है, यानी कि कॉलम की ढलाई किए हुए 1 से 2 दिन हुआ रहता है, तो उस सिचुएशन में कॉलम कुछ इस तरीके से चारों तरफ से टूट जाता है। तो इस टूटे हुए कॉलम के साथ यही हुआ कि इस कॉलम के अगल बगल एक्सीवेटर वर्क कर रहा था और एक्सीवेटर का जो बॉकेट था इस कॉलम से टकरा गया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ये कॉलम चारों तरफ से टूट गया। तो साइट पर जिस समय आप वर्क कराने जाएंगे तो कभी कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी, तो इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मिट्टी की फिलिंग करते समय किसी कॉलम में थोड़ा बहुत टच हो जाता है तो यदि रिपेयर करने लायक होता है तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है, और यदि कॉलम इस तरीके से पूरा टूट जाता है तो कॉलम की पूरी कंक्रीट हटा के कॉलम की कास्टिंग, कॉलम की ढलाई फिर से कंप्लीट कर दी जाती है। तो चलिए, साइट की कुछ वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ पॉइंट और दिखाते हैं, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। कॉलम के बीच अर्थ फिलिंग करने के बाद, यानी कि मिट्टी की भराई करने के बाद, मिट्टी को प्लेन करने का जो वर्क है इस मशीन द्वारा किया जाता है। इस मशीन का क्या नाम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। तो कॉलम के बीच में सॉइल, यानी कि मिट्टी को प्लेन करते समय कभी कभी इस मशीन का जो लेबलर है वो कॉलम से टकरा जाता है, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि कॉलम में क्रैक्स आ जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे कॉलम में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आने का रीज़न क्या होता है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।